नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। हल्द्वानी में पुलिस ने आज बीते दिनों हुई लूट और मारपीट की घटना का खुलासा कर दिया है, जिसके संबंध में आज बहुउद्देशीय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि बीते दिनों बद्रीपुरा निवासी पीड़ित गौरव पांडे की ओर से तहरीर दी गई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन को कुछ युवक मारपीट कर और गाली गलौज करते हुए ले गए थे। इस दौरान पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद हल्द्वानी के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में तुरंत पुलिस टीम का गठन कर FTI गेट के करीब 100 मीटर आगे गांधी स्कूल के पास तीन पानी बरेली रोड निवासी आरोपी विराट कपकोटी, मुखानी निवासी आराध्य रावत और अबे ढेला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए मोबाइल और मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आराध्य रावत का मोबाइल फोन बीती 9 तारीख को पीड़ित के घर से चोरी होने और आरोपियों को पीड़ित पर चोरी करने का शक हुआ था, जिसमें आरोपियों की ओर से योजना बनाकर पीड़ित के साथ मारपीट की गई और उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन को लूट लिया गया और मारपीट के दौरान मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन और मारपीट का वीडियो बनाने वाले फ़ोन को भी बरामद किया गया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वादी गौरव पांडे की लिखित शिकायत पर इसमें अभियोग पंजित किया गया था 392 और 323 और 504 पर। तो आरोपी लगाया था कि इन्होंने जो है कोई आराध्य रावत है उसके मोबाइल चोरी होने के शक में इनके साथ में मारपीट करी, गाली गलौज दी करी और इनका जो है मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट के ले गए। तो दौरान विवेचना प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए तो विवेचक द्वारा उक्त तीनों गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई संपत्ति थी वो बरामद हो गई है। एक मोबाइल इन लोगों में से भी बरामद हुआ है, जिसकी इन्होंने इस घटना के खुद ही अभियुक्तों द्वारा वीडियो बनाई है और अभी तक इनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है कि जिससे कहा जाए कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम लोग इसको मांग रहे हैं और ज़्यादा। कम पढ़े लिखे लड़के हैं, वर्तमान में ये लोग सब जॉब कर रहे हैं। तो ये खबर तैयार की थी हमारी सहयोगी निशा उप्रेती और पूजा भट्ट ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।